गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे अपने घर पे। आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 9 ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन आपने पहले भी 2 बार कर चुके हैं तो आपको पता है कि क्या करना है ना। यहाँ क्या लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसके बारे में लिखिए। ये जो चित्र है आप बताइए, आपको ये चित्र देख के कैसा लग रहा है, किस चीज़ का चित्र हो सकता है ये सोचो। हाँ, सही पहचाना, यह एक मेला है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब लोग खुश हैं, है ना। सब लोग खुशी से खेल रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, है ना। जैसे देखो, बच्चा खुश है, ये खुश हैं, ये खुश हैं, ये भी यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। यहाँ ये मिठाइयों की दुकान, देखो ये जाइंट व्हील जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो बच्चे ने देखो गुब्बारा भी ले रखा है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मेला, मेले में सब लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें कि अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं और खेलने के सामान भी हैं, ठीक है। तो आपको इसी के बारे में लिखना है। तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, तीसरी लाइन आपको यहाँ पर खुद लिखनी है, ठीक है। यह एक मेला है, सब खुश हैं, है ना। सब लोग खुश हैं, यहाँ पे अलग अलग खेल हैं, यहाँ अलग अलग खेल हैं। इसके अलावा ये जो 3rd लाइन है इसमें आपको खुद फिल करना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ मिठाई की दुकान है, यहाँ पे खिलौनों की दुकान है, और यहाँ पे एक और जो एंट्री गेट है, बच्चे बहुत घूम रहे हैं, या जाइंट व्हील में सैर कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी एक लाइन जो है आपको खुद लिखनी है यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब चित्र वर्णन से क्या होता है, चित्र वर्णन से आपको एक तो खुद जो आप सोच रही हैं ना उसको लिखना आ रहा है। आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स से चेक करवा सकते हैं कि जो आपने सोचा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। जो भी आपके सोच, कोई भी एक टॉपिक आप अपने पेरेंट्स से भी ले सकते हैं इसके लिए, जैसे विद्यालय ले लिया या वृक्ष ले लिया, और आप उसके बारे में भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी थिंकिंग लेवल भी इंक्रीज़ होगी और आपको लिखना भी आ जाएगा। और जहाँ पे जो मिस्टेक होगी वो आपको आपके पेरेंट्स बता देंगे, ठीक है। सिर्फ यही एक पेज हिंदी में करना है। और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।